मैं डॉक्टर बलवीर सिंह अभय, एसोसिएट प्रोफेसर इन सोशियोलॉजी, एसएनकेपी गवर्नमेंट कॉलेज नीमना। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग बीए पार्ट फर्स्ट, समाजशास्त्र के बीए पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर की बात करेंगे। पेपर का नाम है इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी। जैसा कि आपको ध्यान है, सभी प्रश्न पत्र तीन तीन खंडों में विभक्त हैं। ठीक उसी प्रकार से आपके फर्स्ट पेपर, फर्स्ट पेपर भी तीन खंडों में विभक्त है। और इस आपके फर्स्ट पेपर के पाठ्यक्रम के अनुसार जो पहला खंड है, उस पहले खंड का जो पहला अध्याय है वह है मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम हमको समाजशास्त्र का अर्थ जानना होगा, समाजशास्त्र की प्रकृति जानना होगी और समाजशास्त्र का क्षेत्र जानना होगा। इन सब को जानने से पूर्व हम लोग समाजशास्त्र के बारे में प्रचलित कुछ बातें जो आम जन में फैली हुई है उनके बारे में बात करेंगे। समाजशास्त्र के बारे में कहा जाता है कि यह लड़कियों का विषय है, महिलाओं का विषय है, यह अन्य विषयों से सरल विषय है, लेकिन अपना अपना नजरिया, अपना अपना दृष्टिकोण लोगों का होता है। आपके लिए अगर हम समाजशास्त्र की बात करें तो आपके लिए इसके अलावा अन्य सामाजिक विज्ञानों की तुलना में भी समाजशास्त्र एक नया विषय है। आपके लिए यह विषय दो दृष्टिकोण से नया था। राजस्थान के बहुत कम प्लस टू स्तर के विद्यालय है जहां पर समाजशास्त्र विषय आपको स्कूल लेवल पर पढ़ाया जाता है। इस दृष्टिकोण से आपके लिए समाजशास्त्र एक बिल्कुल नया विषय है क्योंकि आप लोगों ने स्कूल लेवल पर इसका अध्ययन नहीं किया। दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो अन्य सामाजिक विज्ञानों की तुलना में समाजशास्त्र की उत्पत्ति बहुत बाद में हुई है। इस दृष्टिकोण से भी समाजशास्त्र एक नया विषय है। समाजशास्त्र की उत्पत्ति औपचारिक तौर पर 1838 में हुई थी। ऑगस्ट पोम्पे के द्वारा समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई थी, लेकिन इसका तात्पर्य कदापि हम लोग यह नहीं समझे कि 1838 से पहले समाजशास्त्र से संबंधित अध्ययन नहीं किए जाते। इसके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं, कभी बहस का विषय भी यह हो सकता है। बहस का विषय इस बारे में हो सकता है कि इतना देर से इस विषय की उत्पत्ति हुई, इससे पहले समाज का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता था। इससे पूर्व इस बहस में हम लोग पढ़े, इससे पूर्व हम लोग समाजशास्त्र के बारे में कुछ बातें करने लग जाते हैं। जैसे कि आपका विषय है, विषय के अंतर्गत पाठ्यक्रम का प्रथम अध्याय है समाजशास्त्र का अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र। शाब्दिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो समाजशास्त्र दो शब्दों से मिलता है जो कि लेटिन वर्ड है। एक है सोशियस और एक है लोगस, दोनों ही लेटिन वर्ड है सोशियस और लोगस। सोशियस वर्ड लेटिन वर्ड जिसका कि अंग्रेजी अनुवाद है सोसाइटी, लोगस जो कि लेटिन वर्ड है जिसका कि अंग्रेजी अनुवाद है साइंस। इस प्रकार से समाजशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बनता है, सोशियस और लोगस, सोसाइटी और साइंस। कहने का तात्पर्य सोसाइटी का मतलब समाज है, साइंस का मतलब विज्ञान है, यानी कि सोशियोलॉजी या समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है या आप इसको समाज शास्त्र भी कह सकते हैं। ठीक है, तो
सोशियोलॉजी के शाब्दिक अर्थ की बात ही दो शब्दों से मिलकर बना सोसाइटी और साइंस यानी समाज का विज्ञान। समाज और विज्ञान एक ऐसा विषय है जो समाज का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मिलता है, क्योंकि हम लोग ये देखते हैं विज्ञान की जहां तक बात है प्रत्येक विषय के अध्ययनकर्ताओं के द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि उनके जो अध्ययन वस्तु है उन अध्ययन वस्तु में उनका अध्ययन करते समय उनका ज्यादा से ज्यादा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाए। तो उसी प्रकार से और इसका कारण भी है क्योंकि अन्य अध्ययनों की तुलना में वैज्ञानिक अध्ययन ज्यादा विश्वसनीय होते हैं, ज्यादा व्यावहारिक होते हैं, क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा कारण है क्योंकि विज्ञान की एक विशेषता है, वैज्ञानिक अध्ययनों की विशेषता है कि वैज्ञानिक अध्ययनों में वस्तुनिष्ठता पाई जाती है, वैज्ञानिक अध्ययन पक्षपात रहित अध्ययन होते हैं, वैज्ञानिक अध्ययन पूर्वाग्रह रहित अध्ययन होते हैं, वैज्ञानिक अध्ययन पुनः परीक्षण योग्य होते हैं। इसलिए अध्ययन ऐसे किए जाए कि जिनका पुनः परीक्षण किया जा सके, बार बार परीक्षण किया जा सके। इसी दृष्टिकोण को लेकर समाज ने 1837 में ऑगस्ट क्रांति के समाजशास्त्र को उत्पत्ति की। बात है कि यह तो इसके शाब्दिक अर्थ की बात होगी, इसकी उत्पत्ति की जहां तक बात है जैसा कि अभी मैंने आपको बताया 1838 में समाजशास्त्र की उत्पत्ति, ठीक है। और समाजशास्त्र की उत्पत्ति करने वाले हैं ऑगस्ट क्रांति ने 1838 में समाजशास्त्र की उत्पत्ति की, इसलिए ऑगस्ट क्रांति को समाजशास्त्र का जनक, समाजशास्त्र पिता या समाजशास्त्र का फादर कहा जाता है, फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। अब प्रश्न यह होता है जैसा कि मैं इसके शाब्दिक अर्थ से दूर बात कर रहे थे कि यह समाजशास्त्र की उत्पत्ति इतनी देर से हुई, यह बहस का विषय हो सकता है क्योंकि 1838 से पहले भी समाज के ऊपर अध्ययन किया जाता था। तो शाब्दिक दृष्टिकोण से अर्थ हमने स्पष्ट करने की कोशिश की कि समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जो सामाजिक घटनाओं का, समाज का, सामाजिक संस्थाओं का, सामाजिक संबंधों का या जो कुछ भी समाज में विद्यमान है उन सबका वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करने वाला विषय है, जिसको हम लोग समाजशास्त्र, ठीक है। समाजशास्त्र वह विषय है जो समाज का, सामाजिक घटनाओं का, सामाजिक संस्थाओं का, सामाजिक स्वरूपों का, सामाजिक संबंधों का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन किया करने वाला विषय, उसको हम लोग समाजशास्त्र। साधारण भाषा में बात करें तो हम यह कह सकते हैं कि जो कुछ भी समाज में विद्यमान है वो उसका चाहे भौतिक स्वरूप हो चाहे अभौतिक स्वरूप, जो कुछ भी समाज में विद्यमान है उस समाज में विद्यमान वस्तुओं का, चीजों का, जो कुछ भी विद्यमान है उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करने वाला विषय है, जिसको हम लोग समाजशास्त्र या सोशियोलॉजी, जिसकी उत्पत्ति 1838 में हुई और जिसकी उत्पत्ति ऑगस्ट क्रांति ने की, इसलिए हम लोग ऑगस्ट क्रांति को फादर ऑफ सोशियोलॉजी या समाजशास्त्र के रूप में, समाजशास्त्र का पिता कहते हैं। बात आती है समाजशास्त्र वह विषय है जो समाज का अध्ययन करता है, सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है, सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करता है, जिसकी उत्पत्ति 1838 में हुई, जिसकी उत्पत्ति ऑगस्ट क्रांति ने। प्रश्न यह उठता है कि वह विषय जो कि समाज का, सामाजिक संबंधों का, सामाजिक घटनाओं का, सामाजिक संस्थाओं का या तो जो कुछ भी समाज में विद्यमान है उनका अध्ययन करने वाला विषय जिसको कि हम लोग समाजशास्त्र कहते हैं, जिसकी उत्पत्ति 1838 में हुई, उसको मैं समाजशास्त्र कहा जो इन सब का अध्ययन करता है और जिसकी उत्पत्ति 1838 में हुई। प्रश्न यह है क्या 1838 से पहले समाज नहीं था, क्या 1838 से पहले सामाजिक संस्थाएं नहीं थी, क्या 1838 से पहले सामाजिक संबंध नहीं थे? कहने का तात्पर्य 1838 से पहले समाज था नहीं क्या? बिल्कुल था, 1838 से पूर्व भी समाज थे, ठीक उसी प्रकार से सामाजिक संस्थाएं, सामाजिक घटनाएं, सामाजिक सब कुछ था, ना सिर्फ था बल्कि उन सबका अध्ययन भी किया जाता था। लेकिन 1838 से पहले भी समाज था, सब कुछ वैसा ही था, समाज था, सामाजिक संस्थाएं थी, धर्म थे, रीति रिवाज थे, परिपाटियां थी, विद्या थी, सब कुछ था, सामाजिक संस्थाएं, सामाजिक संबंध थे, लेकिन उन सब का अध्ययन करने वाला विषय समाजशास्त्र के रूप में 1800 से पहले नहीं था। समाजशास्त्र शब्द की उत्पत्ति 1800 में, तो इसके
जवाब हम ये कह सकते हैं कि 1838 से पहले समाज का, सामाजिक संबंधों का, सामाजिक संस्था का अध्ययन किया जाता था, निश्चित रूप से किया जाता था, लेकिन जो विषय इन समता सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करते थे उन विषयों को समाजशास्त्र नहीं कहा। 1838 से पहले विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के अंतर्गत सामाजिक घटनाओं का, सामाजिक संबंधों का, सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन किया जाता था। समाजशास्त्र शब्द 1838 में ऑगस्ट क्रांति के द्वारा लाया गया। फिर एक प्रश्न उठता है कि जब 1838 से पहले समाज था, सामाजिक संस्थाएं थी, सामाजिक घटनाएं घटित हो रही थी, तो फिर ऑगस्ट क्रांति को क्या जरूरत पड़ी समाजशास्त्र की स्थापना करने की? समाज था, उनका अध्ययन भी हो रहे थे, फिर ऑगस्ट क्रांति ने 1838 में समाजशास्त्र की उत्पत्ति क्यों की? इसके जवाब में ऑगस्ट क्रांति ने कहा कि निश्चित रूप से 1838 से पहले भी समाज, सामाजिक संस्थाएं, सामाजिक घटनाएं सब कुछ था, लेकिन उनका अध्ययन करने वाला विषय समाजशास्त्र के रूप में नहीं था। विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के अंतर्गत सामाजिक घटनाओं का, सामाजिक संबंधों का, सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन किया जाता था। प्रश्न उठता है कि जब अध्ययन किया जा रहा है फिर समाजशास्त्र की उत्पत्ति क्यों? इसके जवाब में ऑगस्ट क्रांति ने कहा कि सामाजिक घटनाओं का अध्ययन 1838 से पूर्व होता आ रहा है, मुझे जो आपत्ति हो इस बात की आपत्ति है कि यह जो विभिन्न सामाजिक विज्ञान सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उन विभिन्न सामाजिक विज्ञानों का, सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करने का तरीका, दृष्टिकोण, परिप्रेक्ष्य अलग है। ऑगस्ट क्रांति को जो आपत्ति थी वह आपत्ति है थी कि सामाजिक घटनाओं का अध्ययन सामाजिक दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में किया जाना चाहिए। इस आपत्ति को लेकर ऑगस्ट क्रांति ने आकर 1838 में समाजशास्त्र की उत्पत्ति, और एक ऐसा विषय हमारे सामने लेकर आए जिसको शब्द दिया हमने समाजशास्त्र के शब्द, ठीक है, और कहा कि 1838 और उसके बाद ये वो विषय होगा जो समाज का, सामाजिक संस्थाओं का, सामाजिक घटनाओं का, जो कुछ भी समाज में विद्यमान है उन सबका समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में, सामाजिक दृष्टिकोण से अध्ययन करेगा, और वह विषय होगा जिसको उन्होंने सोशियोलॉजी या समाजशास्त्र माना। इस प्रकार से जो 1838 से पूर्व विभिन्न सामाजिक विज्ञान, जिसमें हम लोग राजनीतिक विज्ञान को ले सकते हैं, इतिहास को ले सकते हैं, विभिन्न सामाजिक विज्ञान है, उनमें जो सामाजिक घटनाओं से संबंधित जो अध्ययन सामग्री थी, उन विभिन्न सामाजिक घटनाओं में जो समाज से संबंधित अध्ययन सामग्री थी, उस अध्ययन सामग्री को निकालकर ऑगस्ट क्रांति ने एक अलग अपना ग्रंथ प्रस्तुत किया, और जिसको उन्होंने सोशियोलॉजी नाम दिया। यह कारण है कि 1838 में ऑगस्ट क्रांति ने समाजशास्त्र। तो ये हमारा आज प्रश्न के फर्स्ट क्वेश्चन पत्र के अंतर्गत प्रथम खंड में मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी के बारे में बात की थी। अगली कक्षा में हम लोग समाजशास्त्र के प्रकृति और समाजशास्त्र के क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद। अब देखो जी।